मेरे प्रिय बच्चों, आज रसायन के अध्ययन में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चलिए जानते हैं वैद्युत रसायन के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हेडिंग मिलता है, रिडॉक्स रिएक्शन। कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे डिफिनेशन के बारे में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण और किसे कहते हैं अपचयन। चलिए जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एल्यूमिनियम की क्रिया यदि ऑक्सीजन से कराएं तो बनता है 2Al2O3, राइट। जैसे ही एल्यूमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं Al2O3 बनता है। मेरे प्रिय बच्चों, यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ ऐड कर रहा है। यदि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ ऐड करता है तो क्या बनता है? निर्जल एल्यूमिनियम। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जुड़े किसी मेटल्स के साथ या किसी नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो तो इस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की क्रिया यदि कार्बन से कराएं तो क्या बनता है? 2Fe3CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। Fe2O3 3CO, 2Fe3CO। यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी यहाँ 3 कार्बन है, यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपचयित कर देता है। अर्थात यहां पर ऑक्सीजन आयरन से निकल के बाहर हो जाता है, प्योर आयरन प्राप्त होता है, तो इस क्रिया को रिडक्शन कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकले किसी भी कंपाउंड से तो इस क्रिया क्या कहेंगे? रिडक्शन। नाउ दिस इज सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। CH4 मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है, जल। मेथेन की क्रिया जैसे ऑक्सीजन से कराते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन होता क्या है, रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाता है। हाइड्रोजन निकल के बाहर हुआ और ये ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर क्या बना गया? वाटर। और जल ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। हाइड्रोजन निकले, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। नाउ दिस इज सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि एसिटिलीन C2H2 एसिटिलीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएं PD पैलेडियम की उपस्थिति में तो C2H4 एथिलीन गैस बनता है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं
एसिटिलीन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एड हो रहा है, जुड़ रहा है तो एथिलीन बनता है। ये किसकी उपस्थिति में, पीडी पैलेडियम की उपस्थिति में। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ये तो ओल्ड डिफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी मेटल के साथ किसी मेटल से ऑक्सीजन निकले, ये कैसे वैज्ञानिकों के दिमाग में विचार आया होगा कि ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। अब ऐसे यदि समझे इसे, पृथ्वी के अंदर अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी मेटल्स उपस्थित होते हैं पूरी तरह प्योर यानी शुद्ध तो उपस्थित होंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी मेटल्स के साथ ऐड होंगे, जुड़े होंगे। तो वैज्ञानिकों ने जब इसे देखा, शायद इसे नाम दिया होगा ऑक्सीडेशन। और यदि किसी मेटल्स के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन यदि उसे निकाला जाए, ऑक्सीजन निकल जाए मेटल्स के साथ, इन प्योर मेटल से ऑक्सीजन यदि निकल जाए, प्योर मेटल हो जाए, तो इस क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, राइट। अब चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक न्यू डिफिनेशन जानते हैं। न्यू डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम मेटल है, धातु है, जैसे सोडियम मेटल वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसमें बदल जाता है, सोडियम आयन में, राइट। मैग्नीशियम जैसे ही बाहरी कक्षा से आउटर मोस्ट शेल से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करता है, मैग्नीशियम आयन बदल जाता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम जैसे बाहरी कक्षा से तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एयर ट्रिपल प्लस बदल जाता है, राइट। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन के निकलने की क्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। चलिए, व्हाट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाफ सी एल टू, वन इलेक्ट्रॉन गेन करके सी एल माइनस बदलता है, राइट। हाफ ओ टू, टू इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीजन डबल माइनस बदल जाता है। इसी प्रकार एंसवन, तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, क्लोराइड आयन बदलता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन डबल माइनस बदल जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेन हो किसी मेटल्स में तो रिडक्शन, राइट। और इसे कैसे समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और ऑक्सीकरण संख्या घटने की क्रिया को रिडक्शन कहते हैं, राइट। नाउ लुक एट, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं एलिमेंट्री स्टेट में जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे यहां पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या शून्य, जीरो, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन। किसी धनायन पर स्थित आवेशों की संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। सोडियम पर वन पॉजिटिव आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस वन। मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, जीरो है। Mg डबल प्लस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, प्लस टू है, राइट। एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या जीरो है। Al ट्रिपल प्लस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस थ्री। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने क्रिया को ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं क्लोरीन एलिमेंट्री स्टेट में है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य। यहां क्लोरीन नेगेटिव चार्ज में है तो ये क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बदलता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन। तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, जीरो से माइनस वन घट रही है। इसी प्रकार
ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जीरो, एलिमेंट्री स्टेट यहां माइनस टू, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, ऑक्सीकरण संख्या घटने क्रिया को रिडक्शन कहते हैं, राइट। तो आज के अध्ययन में इतना ही, कल के अध्ययन में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक किया अभी तो इसी में चल रहा है, इसमें एक नए हेडिंग के साथ मुलाकात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम यदि कुछ नए वीडियो लोड करें तो आपको मिलता रहे वीडियो। थैंक यू।